देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। 8 फरवरी एक ऐसा दिन जहां पाकिस्तान भर में इलेक्शंस होंगे, लेकिन इन इलेक्शंस को लेके आज भी बहुत बड़े पैमाने पे इबहाम पाया जाता है। अगर ये कहा जाए कि इस इबहाम को खत्म भी कर दिया जाता है तो क्या इलेक्शन डे पे वोटर टर्नआउट उतना ज्यादा होगा या नहीं, ये एक बड़ा मसला है। वोटर टर्नआउट अगर कम होता है तो इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान? पाकिस्तान में जो अगली हुकूमत बनने जा रही है वो अगली हुकूमत किसकी होगी? अगली हुकूमत क्या मखलूत हुकूमत होगी या कोई एक पार्टी 2/3 मेजोरिटी ले सकेगी? तहरीक इंसाफ जहां पे एक जानिब ये कह रही है कि वो इलेक्शंस का किसी तौर पर बॉयकॉट नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन कुव्वतों को खुश कराया जाए जो चाहते हैं कि इलेक्शन से तहरीक इंसाफ दस्तबरदार हो जाए। तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ा परेशानी ये भी होगी कि जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जब से बल्ले का निशान गया उनको ये बड़ा मसला आ चुका है कि वो अपने इंतखाबी निशान को उस तबके तक कैसे पहुंचाए जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर है। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात का फायदा किसको होगा? पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मामलात क्या होंगे जो सीट एडजस्टमेंट हुई है इसके बाद आईपीपी का शेयर क्या होगा, सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करें चौधरी मोहम्मद अली साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हारून साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू एज अ न्यूट्रल एनालिस्ट, पहले तो इलेक्शंस हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है इसको कैसा देख रहे हैं? ठीक हो रहे हैं, सही हो रहा है, एक प्रोसेस होने दें। सबसे पहले वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम सारे नाज़रीन को। आप क्या कह रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं? पूछ रहा हूँ, कह नहीं रहा, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। एक्चुअली पूरी दुनिया में हिस्ट्री, मतलब पूरी दुनिया की अगर हिस्ट्री ले दी जाए तो मिस्र के अंदर भी है ना जो ब्रदरहुड के साथ जो कुछ हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह मिस्र में ब्रदरहुड वालों के साथ हुआ था इस तरह यहाँ पर इस तरह पीटीआई वालों के साथ हो रहा है। ये तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, दिस इज़ अ सिलेक्शन एंड एज पर दी खान इट इज़ द मदर ऑफ सिलेक्शन है, क्योंकि 2018 में ये क्लेम करते हैं नून लीग वाले कि जी हमारे को भी है ना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी ये वो, लेकिन मेरे हिसाब से झंडा लगाने से किसी को नहीं रोका था, रैली करने से किसी को नहीं रोका था, जलसा करने से किसी को नहीं रोका था, किसको रोका था? कागजात नामजदगी दाखिल करने से किसी को नहीं रोका था, किसी के कागजात मुस्तरद नहीं किए गए थे, किसी के घर पे छापे नहीं पड़े थे। यहाँ पर तो आपको पता चले कि चार बंदे पीटीआई के जमा हो गए तो आपके ऊपर छापे पड़ जाते हैं। झंडा ना बेचने वाले को जाकर, इवन झंडा लगाने वाले को तो छोड़े, झंडा बेचने वाले को भी उठा के लेके चले जाते हैं, पोस्टर लगाने वाले को उठा के लेके चले, तो ये किस तरह की मतलब इलेक्शन हो रहा है? मेरे ख्याल में इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। 40 अरब रुपए के लागत है इस इलेक्शंस को कराने की। हाँ, तो जेबों में जाएगा ना उसे, और कोई नहीं है ना। कैसे जेबों में जाएगा? प्रिंटिंग तो होनी है, प्रोसेस तो होना है। आधे से ज्यादा वो प्रिंटिंग का जो बिलिंग आती है वो तो ज्यादा ही होती है ना। आपको पता है गवर्नमेंट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर 50% तो जो कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को दिया जाता है 50% देने वाला। वोटर टर्नआउट कैसा महसूस कर रहे हैं और सब, ये जो वोटर टर्नआउट होगा पाकिस्तान में आमतौर पर आम इंतखाबात में 50% 55% वोटर टर्नआउट मैक्सिमम होता है। देखिए इनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से मोराल है ना पब्लिक का डाउन कर दिया जाए, और बड़ी हद तक ये कामयाब भी हो गए मोराल डाउन करने में, क्योंकि लीडरशिप नहीं है, कोई जलसा जुलूस नहीं है, कहीं गहमा गहमी नहीं है। हम तो एक कॉन्स्टेंट के इलेक्शन में इतनी गहमा गहमी देखते हैं, ये तो नेशनल है सर, मतलब नेशनल इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान के, कहीं कोई गहमा गहमी नहीं है। सिंध में तो हमें आप कुछ नजर नहीं आता है, पंजाब में थोड़ा बहुत नवाज शरीफ एक दो जलसे कर रहे हैं, एक में आ रहे हैं एक में जा रहे हैं, और है ना जहाँ पर मतलब एक्चुअली पंजाब इस वक्त मैदान है। और पंजाब के हवाले से गुफ्तगू करें, हमारे साथ ज्वाइन करें तहरीक इंसाफ के रहनुमा पीएस के कैंडिडेट चौधरी मोहम्मद अली साहब। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अली साहब जरा ये बताएं कि इस वक्त जो कल ये इत्तलात आई कि पंजाब में दफा 144 लगाई गई, बट जब ये इत्तलात आई उस वक्त भी पंजाब में मुख्तलिफ जलसे जुलूस हो रहे थे एक्सेप्ट पीटीआई, तो क्या ये पाबंदी जो लगाई गई है उसका पीटीआई के लिए इत्तलाक होगा या सभी के लिए होने जा रहा है? मेरा ख्याल है सिर्फ पीटीआई के लिए इत्तलाक होगा इसका, क्योंकि आपको पता है पीटीआई पिछले तकरीबन 2 साल से ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रही है। जब पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त भी हमें कहीं निकलने नहीं दिया जा रहा था, और उसके बाद जब से ये जो निगरान सेटअप आया है, जहां जहां भी निगरान सेटअप आया आप देख रहे हैं कि हमें कहीं भी निकलने नहीं दिया जा रहा। और आप देखें अगर
आज मैंने भाई की भी बात सुनी, अगर आज आपको पाकिस्तान में नेशनल इलेक्शन हो रहे हैं, आपको गहमा गहमी नजर नहीं आ रही, उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि पीटीआई को मैदान में निकलने नहीं दिया जा रहा। जो पाकिस्तान की इस वक्त 60 से 70% पॉपुलेशन जिस जमात को लाइक करती है, जिस जमात को वोट देना चाहती है, जिस जमात के साथ चलना चाहती है, जिस जमात के जलसे अटेंड करना चाहती है, जिस जमात की कंपेन करना चाहती है, अगर आप उनको रोक देंगे तो फिर आपको इलेक्शन में गहमा गहमी तो नहीं नजर आएगी। लेकिन लेकिन अली साहब, ये एक सही बात है कि चले गहमा गहमी नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ अपने वोटर्स को कैसे मोबिलाइज कर रही है? एक जानेब आप अपने कैंडिडेट्स को लेकर इतने श्योर नहीं है, आप लोग हल्फ ले रहे हैं, जिसको टिकट दे रहे हैं, जिसको जिसका अनाउंसमेंट तहरीक इंसाफ अपने पोर्टल से कर रही है, वहां हल्फ ले रही है तहरीक इंसाफ, क्योंकि तहरीक इंसाफ अनश्योर है। ऐसे माहौल में वोटर कैसे श्योर हो सकता है कि जो कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट होगा वो पार्टी से दस्तबरदार नहीं हो जाएगा या बाद में पार्टी से मुनरिफ नहीं हो जाएगा? वोटर के लिए तो एक बड़ा चैलेंज होगा ना ये। देखें इसके ना इसको आप दो तरीके से देखें। एक तरीका तो ये है कि जो पहले मुनहरफ हुए थे हमारे कैंडिडेट्स जितने भी, वो 20 सीटें आपने देखी होंगी, पंजाब में इलेक्शन हुआ था, 17 लोग उसमें से लूज कर गए थे इलेक्शन, ठीक है। और उसके बाद अभी आप देखें ना मौजूदा आप इलेक्शन में राजा रियाज इलेक्शन से दस्तबरदार हो गया है, और जो वो जो कुंभा जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था, आज वो हलकों में निकलने के काबिल नहीं। इसी तरह अगर पीटीआई अपनी थोड़ी सी सेफ साइड कर रही है तो उसकी बुनियादी वजह यह है वो अपने आप को सेफ नहीं कर रहे, वो कैंडिडेटों को सेफ कर रहे हैं। कल कला अगर कोई कैंडिडेट पीटीआई को, पीटीआई का कैंडिडेट इलेक्शन जीत कर पीटीआई को छोड़ के जाता है तो मैं ये समझता हूँ उसका सियासी मुस्तकबिल बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्योंकि इस वक्त देखें सियासत होती है पॉपुलेशन के साथ, अगर पॉपुलेशन आपके साथ खड़ी है, आपकी कंट्री की पॉपुलेशन अगर इमरान खान के पीछे खड़ी है, वोट इमरान खान का है। लेकिन लेकिन अली साहब, ये आपने बताया बगैर बल्ले के निशान के, आप खुद जानते हैं कि सिंध के दही इलाकों में, पंजाब के दही इलाकों में, केपीके के दही इलाकों में, बलूचिस्तान में आप नहीं मोबिलाइज कर सकते। आपके वोटर को शायद ये इल्म ही नहीं हो कौन कैंडिडेट कौन सा है, उसका इंतखाबी निशान कौन सा है। फिर ये भी बड़ी सूरत हाल निकल के सामने आ रही है कि जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं वो तो खान साहब की तस्वीर लगा नहीं पा रहे, लेकिन दूसरी जमातों के वो कैंडिडेट को उनकी पार्टी के टिकट नहीं मिले वो खान साहब की तस्वीरें लगा के कैंपेन कर रहे हैं। जी ये दो तीन प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त। ये बात आपकी बिल्कुल 100% ठीक है कि देहातों में, दूर दराज इलाकों में हमारे कैंडिडेट को इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक उनको निकलने नहीं दिया जा रहा, दूसरा उनका जो निशान है वो हर घर तक पहुंचना चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके भी हमने हल निकालने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त 8-9 करोड़ से ऊपर जो है ये यूजर है, इंटरनेट यूजर, सही। और इंटरनेट जितना भी यूजर है ना जी, अगर आप किसी गांव में जहां सिग्नल आते हैं ना आप चले जाएं, आप स्कर्दू चले जाएं, सर आजकल शहरों में सिग्नल नहीं आ रहा है, गांव देहात की बात कर रहे हैं। नहीं बात तो सुन लेना आप, आपका जब भी आते हैं मैं कहता हूँ 24 घंटे में आपका अगर 2 घंटे भी सिग्नल आए ना तो लोग व्हाट्सएप पे, हम लोग व्हाट्सएप पे कंपेन कर रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप पे चैनल बन रहे हैं, हमारे हमारी जो तरतीब है ना वो ये है कि हमने अभी अपने जो मैसेज है हम इस तरह मैसेज लोगों को पहुंचा रहे हैं कि हाथों हाथों में हाथ बना के आपने जंजीर बनानी है, एक आदमी ने दूसरे आदमी को पैगाम देना है, एक एक फर्द ने दूसरे को पैगाम दे के दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम पूरा। अली भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ, आई गॉट योर पॉइंट, मुझे हारून साहब से इस पे ऐड ऑन चाहिए। हारून साहब, ये अभी आप और मैं जब प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो तहरीक इंसाफ ने जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करने का ऐलान किया, इतलात यह है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से व्हाट्सएप चैनल इस वक्त ब्लॉक हो चुके हैं। कहीं मछली आ जाती है और कहीं है ना कोई खलाई मखलूक आ जाती है तो वो बंद हो जाते हैं चैनल। कैसे बंद कैसे मतलब अब तहरीक इंसाफ कैसे कर सकती है कैंपेन, सोशल मीडिया का चैनल कर नहीं देते। और है ना मैं इनकी बात में ऐड कर दूं, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से लोगों स्पेशली मैं आपको बताऊँ सिंध के अंदर है ना टिकटू की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं हो सकी है। रीजन बींग इसकी यही है कि जो वहाँ खान साहब को है ना कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकी है, और ये जितने भी लोग आए ना वो लॉयर्स लोग आए, मैं इनकी इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर जो बहुत डेडिकेटेड वर्कर्स थे ना जो टिकटों के उम्मीदवार थे यहाँ पर नहीं मिले। अब मेरी किसी से बात हो रही थी ना तो उसको भी टिकट नहीं मिला था, आपको पता है कि मैं भी उम्मीदवार था,
तो बात यह है कि मेरी उनसे बात हो रही थी ना, तो वो ये कह रहे थे कि जितने भी आजाद जीतेंगे ना, आज कुछ तो कराची से छट गए, सारे छट गए ना, जितने दो दो नंबर थे, लोटे थे, वो बन गए। अभी जो इलेक्शन होगा ना, इसमें फर्दर छटेंगे, जो ये जीतेंगे ना, पहले तो ये जीतने नहीं देंगे, अगर जीतेंगे तो इनको प्रेशराइज किया जाएगा, लालच। देखिए, पैसों के आगे कौन ठहरता है, पहले पैसे, धमकियां, बच्चों को उठाना, घर पे छापे, आपके ऊपर केसेस, आपको बंद कर देना, तो इतनी सारी चीजों को मतलब आप हारू सब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं, मैं ये फॉर्म समझ तस्वर कर लेता हूं कि पीटीआई 40-50 सीटें जीती, इतनी सीटें जीती, इसके बावजूद कोई और पीडीएम तर्ज की कोई हुकूमत बन जाती है, इसके बावजूद आपको लगता है ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप 40 इलेक्शन के बाद पीटीआई के 40-50 नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी अपनी सोर्सेस है, मेरे अपने सर्वे हुए हैं, 90% सीटें है ना पीटीआई जीत रही है पिशावर से, और 67 से 75% मेरा अपना जो हमारा सर्वे रिपोर्ट है ना, 67 से लेकर 75% तक है ना पंजाब के अंदर उसके वोट है, सिंध के अंदर है ना, देही सिंध के अंदर इनके वोट कम है, यहाँ पर है ना कराची के अंदर है ना ये 50-52% पे है, ये तो बलूचिस्तान में इनका इतना वो नहीं है, तो मेरे हिसाब से इनकी जो सीटें बनती है ना वो 100 से ऊपर बनती है, लेकिन 100 सीटें बट सवाल ये है कि इलेक्शंस हो जाते हैं व्हाटएवर द रिजल्ट इज, जितना इसके बाद सर मैं कह रहा हूं आजाद बाद भी क्या पीटीआई आजाद उम्मीदवारों को ये सब है ना, पीपल्स पार्टी वाले और आईपीपी वाले, ये दोनों उम्मीद लगा के बैठे हुए शिकरे, मार्केट लगी हुई है, मार्केट लगेगी और हर तरीके से इनको अपनी तरफ लाया जाएगा। ये चीज और इसका फायदा एक सुन ले, मैं आपको बताऊं, इसका फायदा ये होगा कि जो ठहर नहीं सकेगा ना, फिर पीटीआई बिल्कुल प्योर पार्टी बन जाएगी, और मैं आपको बताऊं जो भी गवर्नमेंट बनेगी ना वो साल से ज्यादा टिक ही नहीं सकती। ये मैं इसके ऊपर आता हूं कि अगली गवर्नमेंट क्या होता है, लेकिन अली साहब जरा इसके ऊपर गाइड कीजिएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर मंडियां सजी हुई हैं, लोग भरपूर तौर पर, आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में आप चाहे लाख हल्फ ले लें, हल्फ तो उस वक्त भी लिया जाता है जब कोई कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाता है, हल्फ तो तब भी लिया जाता है, लेकिन तब भी लोग मुनरिफ होते हैं, उसके बावजूद हम देखते हैं वफादारियां तब्दील होती हैं। एक ये बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे मेंटेन करेंगे, कि एक इतलात ये भी है कि 3 दिन में हर शख्स जो इलेक्शन जीतेगा उसको पार्टी ऑफिशियली ज्वाइन करनी पड़ेगी, और ये भी बताएं कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो कैंपेन है वो भी तहरीक इंसाफ के गिर्द घूम रही है, बिलावल साहब किसी हद तक पीटीआई के वोटर्स को मोबिलाइज भी कर रहे हैं और डिस्करेज भी कर रहे हैं, इसको कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि आप बड़े पैमाने पर जलसा नहीं कर पा रहे। देखिए, ये जो पहली बात आपने कही ना कि 3 दिन में आपने ज्वाइन करना होगा, तो ये तो 100% बात है। देखें, जैसे भाई ने कहा ना कि एक प्योरिटी आ जाएगी पार्टी में अगर कोई छोड़ के जाएगा, ये जो आपने पहले बात की कि आईपीपी और ये आईपीपी और ये दूसरी जमातें जो मतलब लगा के बैठी हुई है, इस ताक में बैठी हुई है कि ये हम हमारे पीटीआई के लोग जो जीतेंगे इनके साथ चले जाएंगे, लेकिन जितने लोगों ने आपके कराची से, आपके साबिक गवर्नर, आपके और काफी सारे एमएनए मिनिस्टर हमारे गए थे आईपीपी में जी। आपको याद होगा आज उनका मुस्तकबिल क्या है, वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहे। इसी तरह जो बंदा भी छोड़ के जाएगा, मैं भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर कोई छोड़ के जाएगा, अगर वो लूली लंगड़ी हुकूमत बना भी लेंगे तो वो एक साल से ज्यादा चलने वाली नहीं है। लेकिन लेकिन ये जो मुश्किलात हैं, आपको पता है बखूबी कि इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब, जिनके बारे में शायद बहुत सी पीटीए, आप लोग पीटीए के बहुत बड़ा हल्का तस्वीर नहीं कर पा रहा था कि वो पार्टी के साथ स्टैंड करेंगे, वो आज स्टैंड किए हैं बड़ी मुश्किल हालात में। शामुद कुरैशी साहब के हवाले से पीटीए के बड़े तबके में भाम था, वो भी स्टैंड किए हैं, वो मुश्किल हालात में। खुद आपके बानी रहनुमा खान साहब, वो उस वक्त जेल में, वो बड़ी मुश्किल हालात में। और आपको नहीं लगता कि एज सूरत हाल जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी, ये तो चले निगरा हुकूमत थी, जब कोई ऐसी मुस्तकिल हुकूमत होगी जो आपके सियासी मुखालफीन की होगी, तो आपके लिए मुश्किल बढ़ेंगी, ये आसान नहीं होने जा रहा सफर। नहीं 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 नहीं, अगर कोई मुस्तकिल हुकूमत आएगी इस मुल्क में तो हमारे लिए मुश्किल कम होंगी। उसकी वजह है, अभी देखे रिस्पॉन्सिबिलिटी डलती है, निगरान कहते हैं हम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा, वो कर रहा है। जब कोई मुस्तकिल हुकूमत आएगी तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी, हमारे पे जो भी जुल्म होगा, जो भी ज्यादती हमारे साथ होगी। सर, पंजाब में राणा सनाउल्लाह साहब अगर वापस आते हैं तो रिस्पॉन्सिबल होंगे, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बावजूद आपको लगता है कि आप लोग को एक बड़ा आसान माहौल मिल जाएगा? नहीं, देखिए वो कहते हैं ना एक शेर है, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं।
आपने खान साहब को बार बार देखा है, आपने उनको गिरते भी देखा है और आसमानों की बुलंदियों पे भी देखा है आप। सही। आप पूरा पाकिस्तान गवाह है इस बात का, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, जब आपके पास नजरिया होता है ना, आप मेरी बात समझ लें, जब नजरिया होता है लोग खड़े होते हैं, जब आपके पास नजरिया खत्म हो जाता है लोग आपसे आपको आपकी पार्टी को छोड़ जाते हैं, आपको आपसे भाग जाते हैं। अभी आप पीटीआई जो है एक नजरियाती जमात है, नजरिए पे खड़ी है। आप कराची से स्कर्दू तक जाए, आप कराची से चमन तक जाए, हर जगह पीटीआई का झंडा निकालने। सर, ये जो बिलावल साहब आपके वोटर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना यह है कि वो पीटीआई की इस वक्त जो टूट फूट है, जो एक अनसर्टेनिटी, उसका फायदा उठा रहे हैं। एक तबका ये भी सोचता है कि वो पीटीआई के वोटर्स को इनडायरेक्टली डिस्करेज भी कर रहे हैं कि आपकी पार्टी नहीं है, आपके लोग नहीं है, आपके सिंबल नहीं है, इसको कैसे काउंटर करेंगे? ऐसे है कि हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं खुद भी अपने हलके में नहीं हूँ, मैं पीटीआई का नामजद उम्मीदवार हूँ, मैं खुद भी अपने हलके में नहीं हूँ, मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरे इलाका, मेरे पूरे मोहल्लेदार, मेरे सारे सारे जो दोस्त अहबाब हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। सही। देखिए, वो सारों को तो नहीं ये पकड़ सकते, वो सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जहां जहां जाते हैं ना, वो जिस जगह पे भी जाते हैं, लोग उनको मतलब ऐसा प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि हमने जिंदगी में अपनी सियासत में ऐसा प्रोटोकॉल। आप अली साहब ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, बट आप अपने हलके में ड्यू टू सम रीजंस नहीं जा पा रहे, कंटेस्ट नहीं कर, कैंपेन नहीं कर पा रहे। जी नहीं, मैं इस वक्त तक अपने हलके में नहीं जा सका, आज दिन तक अपने हलके में नहीं जा सका। और कौन रोक रहा है? बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन बेहतरीन कैंपेन हमारी चल रही है, और दोस्त साथी मतलब डेली बेस पे जो रिपोर्टें मुझे आती हैं, जो पिक्चरें आती हैं, जो सिस्टम हमने बनाया हुआ है अपना लोकली, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा सेटिस्फाई हैं। अली सर, आखिरी प्लीज ये चीज ऐड कर दीजिएगा कि अगर इलेक्शन डे पे जो अब तक इत्तलात नहीं हो, जो बाकायदा खुद हमें जो ऑफिशियल बयान भी आ चुका है कि एम मुमकिन है कि इलेक्शन डे पे भी इंटरनेट स्पीड के मामलात रहे, तो आपको ये बात पता है कि पीटीआई का एक ही हथियार है इस वक्त सोशल मीडिया, ये भी एन मुमकिन है कि शायद इलेक्शन डे पे आपके कैंप्स ना हो, आपके लोग वहां पे पोलिंग एजेंट के तौर पे ना खड़े हो सकें, कैसे काउंटर करेंगे ये सारी सूरत हाल को? देखिए, ये जो 13 दिन या 14 दिन बचे हैं ना इलेक्शन में, ये हमने इंशाल्लाह अपना पैगाम हर घर घर तक पहुंचा देना, हमने अपने जो है पंफलेट वो हर घर घर तक पहुंचा देने, अपने स्ट्रीमर्स हमने इलाकों में लगा। अली साहब, हारून साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी हारून साहब, आपने तो पैगाम पहुंचा दिया, वोटर्स मोबालाइज भी हो गया, आपकी बात मान ली, वोटर्स ने जाके वोट भी डाल दिया, आपके तो पोलिंग एजेंट है नहीं, फॉर्म 45 कौन लेगा वहां पर? ये फॉर्म 45 अगर आपको नहीं मिलेगा तो वो तो सारी इसमें गड़बड़ कर देंगे, रिजल्ट तो सारा चेंज हो जाएगा, फिर आप उसको कैसे काउंटर करेंगे? जी बिल्कुल 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 आपकी बात ठीक है, इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा कि आपके पोलिंग एजेंट नहीं होंगे, इंशाल्लाह पोलिंग एजेंट भी होंगे और बड़ा आ जाएंगे। अली भाई अभी तक आप है ना, पता नहीं किस का उसमें खुशकर्मी में मुब्तला है, जब आपको आपके हलके में नहीं जाने दे रहे हैं तो आपके पोलिंग एजेंट को बैठने देंगे? एक हलके में पीटीआई के 10-10 लोगों के कागज जमा है, अगर पीटीआई का जो ओरिजिनल कैंडिडेट है, जो पीटीआई का नामजद कैंडिडेट है, उसके उसके नाम पे अगर कहीं किसी जगह पे अगर कोई पोलिंग एजेंट कम भी होगा तो उसके जो मुतबादिल कैंडिडेट है उसके कवरेज, ये के तौर पे पीटीआई के लिए बड़ा मुश्किल मरहला होगा। देखें, जब आपने मैदान में उतरना है ना तो आपने हर जगह से सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, हर जगह पे फाइट करनी है। अली साहब थैंक यू सो मच, हमें ब्रेक लग का कहा जा रहा है, और यकीन तौर पे तहरीक इंसाफ के लिए ये एक मुश्किल मरहला होने जा रहा है कि इलेक्शन डे पे जो इलेक्शन डे की जो अपनी पॉलिटिक्स है, इलेक्शन डे की जो अपनी एक साइंस है, उसको पीटीआई कैसे मेंटेन कर सकती है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। खुद पीटीआई के कैंडिडेट जब ये कह रहे हो कि वो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन के लिए अपने हलकों में नहीं जा पा रहे, तो वो जब अपने हलकों में एज ऑफ नाउ नहीं जा पा रहे तो कितना ही मुश्किल होगा कि इलेक्शन डे पे अपने उन रिजल्ट्स को प्रोटेक्ट कर सके या फिर अपने वोटर्स को इलेक्शन डे पे मोबिलाइज करके वोट कास्ट करने तक लाएं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का हाजिर हो। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।
देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं गैलप सर्वे का। गैलप ने एक सर्वे शाया किया जिसके बाद तहरीक इंसाफ मकबूलियत की दौड़ में तो सबसे ज्यादा आगे, लेकिन गैलप सर्वे में भी बात कही गई कि हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो सर्वे के नतज हैं इलेक्शन डे के भी नतज वैसे ही हों। पंजाब में इस वक्त सूरत हाल कुछ अजीब गरीब है, जहां पे नून लीग की सियासत कुछ अलग अंदाज में चल रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहीं जलसों में आते हैं, कहीं नहीं आते, और कहीं जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो माजी जैसी नहीं नजर आती, क्योंकि माजी में वो अक्सर एहतसाब की बात किया करते थे, वो अक्सर वोट को इज्जत दो का नारा लगाया करते थे और अपने तहफ़ुज़ात का खुल के इजहार किया करते थे, जो कि अब नजर नहीं आ रहा। पंजाब की सियासत में बिलावल भुट्टो साहब भी बड़ी हद तक एक्टिव हो चुके हैं और बिलावल साहब ने भी पंजाब का रुख किया और नून लीग को आड़े हाथों लिया हुआ। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं कामरान साकी साहब, सीनियर सहाफी तजियाकार हैं। सर, इनसे जानते हैं कि जो गैलप सर्वे है इसकी क्या वेटेज हो सकती है पाकिस्तान के इस इलेक्शन के माहौल में। साकी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साकी साहब, ये जो गैलप सर्वे आया है आप मकबूलियत के एतबार से तो पीटीआई नून लीग से आगे है। पंजाब में चले कुछ हद तक नून लीग आगे है, पीटीआई पीछे है, केपीके में पीटीआई आगे है, सिंध में पीपल्स पार्टी आगे है, बट ये जो सर्वेज होते हैं आपको लगता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस पे ये असर अंदाज होते हैं? बहुत शुक्रिया। तो आप एक यहाँ से तो पाकिस्तान का हाल जो है वो तो अगर जिंदगी भी बताना चाहे तो उस बेचारे कर जो उसका मोर है और वो जो काले इलम के लिए चीजें इस्तेमाल करता है वो भी उल्टी सीधी होना शुरू हो जाती है और वो भी कहता है कि मेरे बस का बात नहीं है। जितनी पसीदा यहाँ की सियासत है और खासतौर पर इलेक्शन के नतज हैं और उसके बाद भी बनने वाली हुकूमत है, वो हमने माजी में तो यही सीखा है कि इन सर्वे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ के तक बात है गैलप से अपनी क्रेडिबिलिटी की, तो मेरे नजदीक तो और बहुत सारे मेरे दोस्तों के की राय के अंदर ये तो इस्लामाबाद के किसी एक पार्क में 15 लोगों से सर्वे करते हैं और उसके नतज जो है वो पूरे पाकिस्तान पे या 21 करोड़ 22 करोड़ आवाम की राय बना के जो है वो नशर किए जाते हैं, तो इससे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि एक मुनज़्ज़म कंपेन आप किसी भी पार्टी के हक में हो या उसकी मुखालफत में हो और बार बार ऐसे झूठे अकाउंट से भी सर्वे आए और चाहे कुछ ना कुछ उनकी क्रेडिबिलिटी भी हो, तो वो यकीन लोगों के माइंड सेट के ऊपर और इलेक्शन लेकिन साकी साहब मैं एक लम्हे के लिए तस्वीर कर लेता हूँ कि सर्वे बड़ा रिग्रेसिव हुआ, बहुत हद तक एक्यूरेट है, स्टिल डू यू सी कि अगर वो इतना ही एक्यूरेट है इलेक्शन डे पे ये कुछ रेप्लिकेट हो सकता है? देखिए मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर तो कोई क्रेडिबल चीजें या फेक चीजें भी अगर होती हैं तो वो इलेक्शन के ऊपर असर अंदाज जरूर होती है। आप जब पंजाब के अंदर लोगों का माइंड सेट बना देते हैं कि फला पार्टी चाहे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, मूल लीग है या कोई और जमात है, वो एक आप जब हाइप लोगों के जहन के अंदर क्रिएट कर देते हैं कि ये अब इकतदार में आने ही वाली है और इसे कोई ताकत जो है वो रोक नहीं सकती, तो जो आजाद उम्मीदवारों का झुकाव है, जो कैंडिडेट्स की खैर अब तो टिकटें बच चुकी हैं और जमा हो चुके हैं, निशान लात हो गए हैं, लेकिन अगर इससे पहले ये मामला तो कैंडिडेट्स भी अपनी वफादारियां जैसे हमने इस इलेक्शन और माजी में भी देखा पूरी तब्दील कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उसी पार्टी की गोद में बैठना है, उसी पार्टी के टिकट के ऊपर लड़ना है जो जीते, कोई भी हारने के लिए यकीन नहीं जीतता, और वो इन सर्वे और चीजों को और लोगों के माइंड को चलती हुई हवा के रुख को इन चीजों को देख के जो है वो अपना उम्मीदवार की और उनके सपोर्टर्स की जो है वो माइंड बनाते हैं। लेकिन साकी साहब एक चीज और भी है, इस वक्त आप तो काफी ज्यादा एक्टिव हैं, आप लाहौर शहर की पंजाब के अंदरूनी इलाकों की बहुत सी गलियों से वाकिफ हैं, मैं अगर आपसे पूछूं इस वक्त उमूमी माहौल क्या है, पहले तो ये बताएं कि क्या कोई इलेक्शंस का माहौल भी है या नहीं है, बस इलेक्शंस हो रहे हैं? देखिए मैं अगर आपको अपने इलाके या गांव की हद तक भी बताऊं तो वहां पे अभी उस तरह से गहमा गहमी नहीं है। पता नहीं क्यों लोगों को अभी भी लगता है कि इलेक्शंस नहीं होने वाले, इन इलेक्शन के ऊपर इन्वेस्ट करके कोई अवामी राय हासिल नहीं की जा सकती, उसके नतज पे जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा या उनकी पूरी नहीं पड़ेगा। हमें शहरों के अंदर पोस्टर भी नजर आते हैं, बैनर्स भी नजर आते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी होती नजर आती हैं, कुछ पार्टीज के लिए जाम जो है वो भी हमें मूवमेंट नजर आती है, लेकिन यही इलाकों के अंदर जैसे लोग पोतगियों पर पहुंचना शुरू हो जाते थे, शादी ब्याह पे उनकी तरफ पहुंचना शुरू हो जाते थे, 20 साल पहले भी किसी की मुर्गी मर गई है तो उसकी फातह खाने पर चले जाते थे,
उनकी लिस्टें भी बनती थी, तो ऐसा कोई माहौल अभी तक मुझे। सर हर बार इलेक्शन में लोगों की गली मोहल्ले बन जाते थे, सड़कें थोड़ी रंगो रोगान हो जाती थी, इस बार तो वो भी नहीं हो रहा। मतलब लोगों को जो एक उम्मीद होती थी कि इलेक्शंस के लिए हमारे हलके में कुछ काम हो जाएगा, इस बार वो भी नहीं हुआ है। बिल्कुल इसी तरह है, और उसकी वजह ये भी है कि अभी तक लोगों में कंफ्यूजन पाई जाती है कि पता नहीं ये कोई इलेक्शन होगी ये भी नहीं होंगे, हालांकि इलेक्शन में भी 14-15 दिन जो है वो बाकी है, तो अभी तक भी लोगों का संजीदा ना होना या कैंडिडेट का खुद पे एतमाद ना होना या इलेक्शन के ऊपर एतमाद ना होना, ये माजी की निस्बत है। और साकिब साहब, ये जो आप जो कह रहे हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल है, आपके ख्याल में ये गैर यकीनी सूरत हाल महज लोगों तक महदूद है या पार्टी के सरबराहान या टॉप टियर लीडरशिप भी इस जद में नजर आती है? देखिए, जो जिन लोगों ने इमरान खान को इक्तदार से निकाला था और जो लोग इक्तदार से जिन्हें निकाला था, जिन लोगों ने और जिन्होंने इत्तेहाद में शामिल होकर कुर्बानियां दी हैं और जिन्हें जिन्होंने इत्तेहाद दिलवाना था, तो वो तो पूरे इत्तेहाद है, यानी जिन्होंने गारंटीर है, जो आपको पता है जिनका रहा हूँ, तो वो जिन्हें उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो फरवरी में इलेक्शन होंगे वो पूरे मिल गए। मैं साकिब साहब आपकी आपकी पार्टी है जी, मैं साकिब साहब आपकी तरफ आता हूँ। हारू साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है। हारू साहब, ये जो इबहाम इस वक्त भी है, बड़ी तादाद साकिब साहब भी कह रहे हैं, इस बार जो गहमा गहमी नहीं है, वोटर टर्नआउट वैसे ही रहेगा जैसे हमें कराची के बल्दियाती इंतखाबात वाला वोटर टर्नआउट नजर आता है, या कोई बेहतरी की उम्मीद है कि ऐसा कोई उम्मीद है कि अगले 8-10 दिन में ये इलेक्शन कैंपेन में कोई ऐसी हाइप है कि लोग निकले घरों से? मेरा ख्याल में वोटर टर्नआउट बहुत कम रहेगा, और यही है ना कंपनी की है ना ख्वाहिश है कि है ना वोटर टर्नआउट है ना कम रहे। रिगार्डिंग आप एक गैलप सर्वे की बात जो कर रहे थे ना, तो ब्लूमबर्ग का भी एक सर्वे आया है, आपको याद होगा जी, 2-4 दिन पहले। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर यह देना दूँ कि अजहर काजमी साहब ने ना हर हलके में जाकर है ना प्रोग्राम किए हैं, इस तरह नदीम मलिक ने किया, इस तरह उर्दू पॉइंट वालों ने किए, इसी तरह असदुल्ला खान ने, बहुत से लोग कर रहे हैं, असदुल्ला खान, उनके अगर आप देखें ना, उन्होंने तो बाकायदा जिस तरह उन्होंने सर्वे किए ना डोर टू डोर और बाजारों में, ये वो, उससे ना लोगों का मूड पता चलता है। लोग है ना, मैं आपको बता देता हूँ, वोटर है ना इस वक्त है ना जो महंगाई हो गई है ना, दो बातें हैं ना, एक बात सुन ले मैं आपको, तो इमरान खान को निकाला, देखिए इरिस्पेक्टिव मैं एक न्यूट्रल बिल्कुल तजिया देता हूँ, जो इनको निकाला और जो उसके साथ सुलूक हो रहा है ना, तो सिंपैथी वोट चला गया है इमरान खान का, वैसे की बात नहीं हो रही इस वक्त, कैंडिडेट की बात नहीं, सिंपैथी वोट चला गया। फिर जिस तरह कैंडिडेट्स और घरों के ऊपर हमले और जिस तरह के तो बात चिन्ना और लोग है ना हो गए, फिर सोने पे सुहागा। 2018 के इलेक्शन में नून लीग के साथ नहीं हुआ था, नहीं इतना नहीं हुआ था, इतना नहीं हुआ था। अच्छा दूसरी बात सुने, दूसरी बात ये कि जो इन्फ्लेशन हुआ है और ये जो 16 महीने की जो कारकर्दगी है, जहां पर एक आपका जो बिजली का बिल अभी आपका है ना 25,000 से कम किसी का आता नहीं है, ठीक है ना, तो वो उससे भी लोग है ना बड़े गुस्से में है, तो ये जितना भी है ना फ्रस्ट्रेशन और गुस्से वाला वोट है ना ये उधर जाएगा। प्लस 2 करोड़ वोटर है ना जिसमें से आपको पता है नए है ना आपके है ना आए हैं, और वो सारे नौजवान है जो 18 साल से, सर ये स्विंग वोटर है ना, ये तो स्विंग वोटर है नहीं, वो नौजवान जिसका नौजवान है ना उनका जो रुझान है ना वो, सर आप सब जानते हैं कि खान साहब की अगर चले मैं कहता मकबूलियत है, उनको वोट डालना भी है, वो खुद इस वक्त पार्टी में नहीं है, उनका निशान नहीं है। और आलम यह है तरीके साहब के दोस्तों की बात बुरी लगेगी कि जिन कैंडिडेट्स को खान साहब ने टिकट दिया तो उनमें बेशतर को टिकट भी नहीं मिला, वो भी आज ये गिला कर रहे हैं कि खान साहब ने उनको कमिटमेंट दी थी उनको टिकट ना मिला, तो फिर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वोटर भी डिस्कनेक्ट हो रहा है? देखिए जी ऑब्वियसली मैंने पहला लफ्ज तो यही कहा ना कि आपका वोटर टर्नआउट कम होगा, वोटर टर्नआउट कम होगा। दूसरी बात है कि डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टीज ना PTI अभी भी एज अ पार्टी सर्वाइव कर रही है, तो क्रेडिट गोज टू देम। सर वो क्रेडिट किसी और को भी दिया जाए, लेकिन साकी साहब ये साकी साहब ये जो एक बहस है जो अभी हमने भी देखी, 2018 का माहौल और 2024 का माहौल, क्या इसका कोई कंपैरिजन है? देखिए आप अगर 1947 के बाद और अभी तक के माहौल को देखें तो हर साल आपको यहाँ इलेक्शन आपको उससे वर्स्ट नजर आएंगे, बदतरीन नजर आएंगे ना, वहां पे दादरी के नए तरीके भी ईजाद हो जाएंगे, वहां पे RTS सिस्टम भी बैठ जाएगा, वहां पे धुंध में दर्द गोश्त भी गायब होते हैं हम देखेंगे, वहां पे तशद्दुद और मारधाड़ के चक्कर में वहां पे इलेक्शन को रोक भी दिया जाएगा, मुलतवी भी हो जाएंगे। आप किसी माजी के इलेक्शन से जो है वो उस तरह कंपेरिजन इसका शायद करना मुश्किल हो जाएगा,
लेकिन हालात और वाकयात वही है। नहीं तो उसकी उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें ना, क्या क्या उसकी शिद्दत भी वही है जो हालात की हम बात करें, क्या वही शिद्दत है जो 2018 में नजर आई? क्योंकि मैंने तो कहा कि आपको कि हर दफा ये शिद्दत में तो इसका मतलब क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं हर बार कॉम्प्रोमाइज हो रही है। कभी वो थ्रेड की सूरत में होती है, कभी उम्मीदवारों को मौसूल होने वाली कार की सूरत में होती है, कभी खुलने वाली फाइलों की सूरत में होती है। ये जिसका जितना कंट्रोल और भा लगता है वो हर दफा लगाता है। हम कहें कि इमरान खान बड़े कहते हैं ना कि साफ और शफाफ तरीके से इकतदार में आए थे और नून लीग को दीवार के साथ उस वक्त नहीं लगाया गया, बाकी पार्टी पर नहीं लगाया गया, लोगों की फाइलें नहीं खोली गई, राणा सनावला के ऊपर केसेस नहीं बनाए गए, बाकी लोगों पर भी नहीं बनाए गए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये उन्होंने नहीं किया और इन्होंने नहीं करना। जिसका जब कहा लग रहा है, अब जिनका हाथ पड़ा हुआ है वो लग रहे हैं, वो लोगों के घरों पे छापे भी मार रहे हैं, उन्होंने के तरसुर के अंदर उन्होंने नामलोम अपराध भी इतने रखे हुए हैं कि इनके वोटर्स को लेकिन साकी साहब एक चीज और आइडेंटिफाई कीजिएगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। इस वक्त पंजाब में तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं, जिनको तहरीक इंसाफ ने अपने सपोर्ट एक्सटेंड की है, उसमें बड़ी तादाद वकला की है। आपको लगता है कि जो वकला बरादरी है वो कुछ हद तक सेफ है दीगर कैंडिडेट्स के मुकाबले में, या उनको हरासा किया जाना या उनको इस तरह से प्रेशराइज करना कदरे मुख्तलिफ होगा जो आम कैंडिडेट्स के हवाले से होता है? देखिए आपने पंजाब की सियासत को पहले समझा। जी तोबा, लैया, मुल्तान, बड़े शहरों को आप या डिवीजन के शहरों को निकाल के बाकी जितने इलाके हैं वहां पे पीरों का वोट है, वहां पे जगीरदारों का वोट है, वहां पे बटेरों का वोट है, वहां पे गद्दियों का वोट है, वहां पे इमरान खान या नवाज शरीफ का वोट नहीं है। सही। और वो लोग उन्हीं के साथ खड़े होंगे, हवा जिसकी तरफ चले, जो इकतदार में आता नजर आएगा वो। चले मैं अब हवा की बात कर लेता ना, ये सवाल मैं आपसे करता हूँ फिर मैं हारून साहब से करूंगा। पंजाब की सूरत हाल में इस वक्त पंजाब की अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करूं, नून लीग कितनी परसेंट नशिस्त हासिल कर सकती है, पीपल्स पार्टी, पीटीआई या आईपीपी, अगर इन चार बड़ी जमातों में ब्रेक डाउन करना पड़े तो आपकी परसेंटेज क्या होगी? देखिए अभी जो बड़ी जमात हमें नजर आती है अभी नवाज शरीफ है या लोग जिसके अंदर ज्यादा राजन है वो सोशल मीडिया पे बात करें तो पीटीआई है, लेकिन ऑन ग्राउंड नून लीग है, इसके कैंडिडेट फकत मजबूत है। सही। इसे तीसरे नंबर पे जो है वो पीपल पार्टी का भी पल्ला जो है वो भारी नजर आता है, लेकिन ये जनूबी पंजाब की हद तक है और लाहौर में उतना उनका या इस सेंट्रल पंजाब की साइड पे इतना वो खास अक्सर नजर नहीं है। तीसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो आप यही उम्मीदवार आपको नजर आएंगे पीपल पार्टी के बाद, जो अभी तो बाजार आपको पीटीआई के लग रहे हैं लेकिन आपको याद है कि वो आजाद हैं, वो पर लगा के उड़ जाएंगे तो वो उड़ भी गए थे, और जिसकी तरफ पल्ला पड़ी होगा ये चाहे जितनी मर्जी कस्में उठा लें, जो मर्जी कर लें, फिर उन्होंने ऐसे ही नहा धो के जो है वो इकतदार में ये कस्में वादे सब फना हो जाएंगे, कुछ उसमें बचेगा नहीं। सर पहले कौन सा बचा है, पहले कौन सा हलफ नहीं दे, पहले कौन सा इन्हें टिकट देते हुए इनसे पैसों के साथ हलफ नहीं लिए जाते, वो कौन सा कोई किताबें अलग होती है जिनके ऊपर ये हाथ रखते हैं। और चौथे नंबर पे आप कह रहे हैं आईपीपी, तो मैं ये समझूं कि अगर पंजाब नहीं है आईपीपी, वो जहाज करने वाले ग्रुप जो है वो उसकी उतनी निशिस्तें नहीं है, और उसके भी आपको ये आपके नतीजे वाले ने देखे कि उसका भी आपका अपनी जैसा हाल देखेंगे तो वो भी कहीं नजर नहीं आएगा। मतलब आप कह रहे हैं जो मतलब जहांगीर तरीन साहब जिनके पास अपना जाती तैयारा है वो मतलब उनकी पार्टी आगे चल के सर्वाइव नहीं करेगी, आप ही कह रहे हैं? नहीं सर्वाइव शायद उनका कंट्रोल कर रहे हैं कि वो फॉरवर्ड बहाने से आपको इकतदार में आने वालों में। मैं साकिब साहब यही सवाल मैं हारून साहब से भी करना चाहूंगा, हारून साहब ये जो पंजाब के तक मैं तकसीम की बात करूं क्या परसेंटेज होगी नून लीग पीटीआई और पीपल्स पार्टी? देखिए जहां तक मेरी अपनी है ना सोर्सेस और जितनी मेरी है ना वो है मालूमात, पॉपुलैरिटी रिजल्ट के एतबार से बात, रिजल्ट के हिसाब से भी है ना, मैंने आपको कहा ना कि 2 करोड़ वोट एड हो गए हैं उसको कोई काउंट नहीं करता है, दे आर ऑल मोस्टली द पीटीआई वोटर्स है, ठीक है 2 करोड़ सर, ये 2 करोड़ में ज्यादातर ना लिटरेसी रेट में नहीं आते, नहीं मैं नौजवान ज्यादातर जितने भी है ना अभी वो सारे लिटरेसी में आते हैं, दे आर लिटरेट, दे आर चले सोशल मीडिया के हद तक तो है, नहीं लिटरेट, लिटरेट का मतलब पढ़े लिखे, ये सारे ये जो 2 करोड़ लोग एड हुए ना उसमें मेजोरिटी लिटरेट है, वो बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा छाप नहीं है, वो समझते हैं इस बात को।
अच्छा मैं ये कहता हूँ कि जाहिर है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने नहीं है, रिगिंग हो रही है, प्री पोल रैगिंग हो चुकी है ऑलरेडी और ऑलरेडी हो रही है। वैसे ही इलेक्शन होना जैसे माजी में होते आए ना, कोई नहीं नहीं, नहीं 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 माजी में ये साकी साहब से आप इसको बोले कि दिल पे हाथ रख के बता दे कि माजी में इस लेवल पे है ना हुई है, जुल्म हुआ है इस लेवल पे। सर लेवल तब्दील होता है, लेवल का एक मयार होता है, एक आदमी को आप है ना मतलब एक मयार होता है कि आप उसको रोक रहे हैं, उसके इलेक्शन से रोक रहे हैं, उसको है ना कागजात छीन रहे हैं, उसको नॉमिनेशन। अब शाह मोहम्मद कुरैशी का है ना, वो जज ने कहा आप जाकर मेरा है ना ऑर्डर जाकर जमा करा दो, तो आपकी ना तस्दीक की जरूरत नहीं है। वो उनके लॉयर गए, उन्होंने जाकर जमा करा दिए। शाह मोहम्मद कुरैशी का है ना वो पेपर से रिजेक्ट हो गए। 50 साल से जो बंदा पॉलिटिक्स में है उसके पेपर रिजेक्ट हो गए, तस्दीक नहीं है उनके पेपर। क्यों है? इनके पेपर तस्दीक शुदा नहीं थे, वजह वो जेल में थे। सही है, ठीक है ना। बात ये इस तरह नहीं होता। तकसीम की बात करें ना, पंजाब में तकसीम की बात यह है कि मेरे जो पंजाब मेरे हिसाब से 65% वोटिंग है ना, 65% शहरों में तो 75% वोटिंग है ना वो पीटीआई की है। सही। अगर आप ब्यातो और ये जैसे पीरे और ये सारा जो कह रहे हैं जहां पर है ना जाहिर है कि लैंग्वेज भी आती है और रेस भी आती है और है ना पीरी मुरली का चक्कर भी आती है, कबीलों का भी चक्कर आता है वहां पर है ना। जाहिर है कि वहां पर आपको जो लोकल जो है ना इलेक्टेबल डोमिनेट करते हैं, इलेक्टेबल की बड़ी तादाद या तो। और एक और बात मैं आपको कह देता हूँ, आई डोंट सी 2 या 3 सीटों से ज्यादा है ना पीपल्स पार्टी, मेरे ख्याल में 2 सीटें भी नहीं ले जा सकती है पंजाब में नेशनल असेंबली की। तो आई डोंट सी वो इतने जलसे करें, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, पीपल्स पार्टी जीरो हो गई है मेरे हिसाब से पंजाब में। वो जो इनको चांस मिला था ना 2008 से 2013 के दरमियान कि वो पंजाब में दोबारा से अपलिफ्ट कर दे, क्योंकि इनको एक सिंपैथी वोट मिला था और जिसकी वजह से वो आए थे, वो उनको कैश नहीं कर सके। जरदारी साहब बिल्कुल एक नॉर्मल सी तू भी खा मैं भी खा वाली है ना गवर्नमेंट सिचुएशन को डाइल्यूट कर। मैं एक चीज और भी ऐड करनी, मुझे साकी साहब ये जरा प्लीज एलैबोरेट कीजिएगा कि मियां साहब की तकारीर शायद वो इतने जोशीले अंदाज में नजर नहीं आ रही, वो एहतसाब का नारा नहीं दिखाई दे रहा, वो चोरी का नारा नजर नहीं आ रहा, वो वोट को इज्जत दो का नारा नजर नहीं आ रहा है। मसला क्या हो गया है? मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही है। जी साकी साहब, अगर वो हार जाते हैं तो वो फील्ड में जाने के काबिल भी ना रहे, तो वो कुछ ना कुछ बयानियां कुछ ना कुछ अभी तक अपने पास बचा के रखना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि वो चीजों से मुतलका लोगों से जिनकी तरफ आप समझते हैं मैं इशारा है उनसे बिगाड़ना नहीं चाह रहे, माजी की मुतलक यादों को दोहराना नहीं चाह रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी वो उनके लिए रास्ता जो है वो उन्होंने हमवार रखा है इमरान खान को बाहर रख के, तो वो नया एक कोई इकट्ठा नहीं खोलना चाह रहे। बट कहीं ना कहीं दिल में तो आपको भी पता है कि उनके होगा कुछ ना कुछ, वो बहुत जो गुफ्तगू करते हैं वो जो इनका स्टाइल है वो तो आप नहीं तब्दील कर सकते। देखिए ये उन्हें था क्यों, उन्हें जो मुल्क बदर किया आपने एक इलेक्शन के अंदर निकाला बाहर, उनसे इलेक्शन से दूर किया उनकी पार्टी को, उन्हें जरा वतनी भी काटनी पड़ी, उनकी बेटी को भी आपने अंदर रखा, ये चीजें अंदर दिल में तो है उनके। सही, लेकिन अब उसका इजहार सही मौके आने पे ही करने वाला शख्स जो एक चीज साकी साहब एक चीज और ऐड कर दें, जो इस वक्त माहौल बन रहा है उमूमी तौर पर बहुत से लोगों का कहना है कि मियां साहब कई दफा 2/3 मेजोरिटी ले चुके हैं बट वो सरवाइव नहीं कर सके, इस बार तो पूरा ही ग्राउंड दे दिया मियां साहब को, चले इस बार 2/3 मेजोरिटी ले लें। अगर इस बार मियां साहब 2/3 मेजोरिटी नहीं ले सकते, एक कॉम्प्रोमाइज हुकूमत बनानी पड़ती है, तो आपको लगता है कि मियां साहब की जो पर्सनैलिटी है उनका जो ऑरा है उनके लिए आसान होगा इस तरह से मुख्तलिफ पार्टीज को लेके चलना और अपने लबो लहजे को देखते हुए अपने स्टाइल को देखते हुए उसको आगे लीड करना? देखिए वो आपका तजिया ठीक है कि वो हुकूमत शायद ज्यादा देर ना कर सके, या नवाज शरीफ साहब खुद जो है वो उसमा में आपको नजर ना आए अगर बहुत ज्यादा कम तदाद जो है वो मुस्लिम लीग के पास हुई, क्योंकि उस पर पूरे मुल्क की जिम्मेदारी उनका इमेज उनकी सियासी साख वो चीजें जुड़ी हुई है, और फिर नून लीग का जो रवैया है इनके लीडर्स का खासतौर पर शरीफ रावदान का वो ऐसा नहीं है कि वो किसी को जीत करके भी बुला सके, तो उन्होंने तो अपने एमपी एमएनए को आसिफ करमानी से ऊपर जाने दिया, तो फिर किसी पार्टी को जीतना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। हारू साहब सेम चीज, मियां साहब का बॉडी देखिए मेरे सोर्सेस तो मुझे ये भी कह रहे हैं कि शायद मियां साहब है ना वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है ही नहीं, और उसका वो बहुत ही है ना लेजिटिमेट है ना वो दे रहे हैं। एक तो इनकी कौन कैंडिडेट होगा? मरियम नवाज साहब, मरियम नवाज साहब, क्योंकि आप देखें जो लीडर होता है ना वो सबसे आखिर में तकरीर करता है,
जबकि यहाँ पर हाफिजाबाद का जो जलसा हुआ है उसके अंदर मियाँ साहब ने पहले तकरीर कर ली, उसके मरियम नवाज ने आखिरी, बहुत से जलसों में नहीं नहीं मानसेरा में नहीं नहीं तीन जलसे टोटल तीन जलसे हुए हैं, एक जलसे मरियम नवाज साहब जा रही है, नहीं नहीं टोटल तीन जलसे हुए हैं ना, टोटल कॉर्नर मीटिंग कॉर्नर मीटिंग को जलसा तो नहीं कहते ना, लाहौर के जलसे के बाद अभी जो इन्होंने 60 जलसों का जो अनाउंसमेंट की थी उसमें से तीन जलसे थे, एक कैंसिल हो गया, दो हुए, एक हाफिजाबाद का हुआ, लिया कैंसिल हो गया और एक मनसेरा का हुआ, ठीक है, मनसेरा से वो लड़ रहे हैं, वहीं से वो कैंडिडेट भी है, वहां पर उन्होंने अच्छे बंदे गैदर कर लिए थे और वहां पर भी उन्होंने पहले आकर 10 मिनट की तकरीर की और फारिग होकर मरियम नवाज को दे दिया, जिन्होंने फिर अच्छी तरीके से मियां साहब ने वही इसका मतलब वो 40 साल पहले एक मोटरवे बनाई है उसी का राग लाभ रहे, अभी कब तक है ना ये मंजन बिकेगा मोटरवे का, मुझे तो समझ नहीं आ, ये भी इत्तला है कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज नाराज है, नाराज नाराज ऑब्वियसली, देखे मैं आपको बता देता हूँ, 4 साल पहले इसको और कंटिन्यू कर लेते ना, मरियम नवाज साहिबा की क्यादत में पार्टी का सीनियर तबका आपको लगता है वो अलाइंड रहेगा, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब की मिसाल हमारे सामने और इसी दीगर बहुत सी मिसाल है, जुबैर साहब है शायद खाकान अब्बासी है, मिफ्ता इस्माइल है, जो अच्छे अच्छे नाम है वो सारे साइड हो रहे हैं, इसके अलावा मेहताब अली अब्बासी है वो भी फारिग हो गए, इसके अलावा दानियाल अजीज तो नहीं, वो क्या है खैर है दानियाल अजीज को साइड कर दिया गया, चले हाँ दानियाल अजीज, मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं और है ना, मतलब अभी इसलिए कि ऑब्वियसली जब नवाज शरीफ साहब इधर थे नहीं तो सारी जेल है ना, सबसे ज्यादा जेल में हमजा रहे, पार्टी को गैदर करके हमजा शहबाज की जो पॉलिटिक्स ने बिल्कुल लीड किया। हानू साहब बहुत शुक्रिया, मेरा प्रोग्राम का वक्त में इख्तिताम पहुंचा, उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, लेकिन जाते जाते एक बात आपसे दरख्वास्त के तौर पर कहेंगे कि 8 फरवरी इलेक्शन होंगे, आपने वोट डालना है और वोट डालना आपने जरूर है, अपने घरों से निकलना है, क्योंकि जब आप ये बात कहते हैं कि हमने इस मुल्क को क्या दिया और इस मुल्क ने हमें क्या दिया, तो आप इस बात का तकाजा शायद उस वक्त कर सकते हैं कि जब आप 8 फरवरी इलेक्शन डे पे अपने घरों से निकलें, ना सिर्फ वोट डालें बल्कि इस वोट की हिफाजत भी आपके जिम्मे है, और अगर आप ये निकलते नहीं, अगर बड़ी तादाद में आप लोग मोबिलाइज नहीं होते, तो फिर शायद हमें ये बात कहने का कोई हक नहीं कि आने वाले वक्त में आने वाले दिनों में जो हुक्मरान होंगे वो हमारे साथ क्या करते हैं, आपके वोट्स इस बात की निशानदेही करेंगे कि इन हुक्मरानों का आगे क्या सफर होगा और ये हुक्मरान आपके साथ किस अंदाज से पेश आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद होगा, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।